सबसे पहले बता दें कि हमारे फादर भी इसी सेवा में थे और फाइनली उनको आईएएस में प्रमोशन भी मिला। हमारे ससुर भी इसी सेवा में हैं थे, देहांत हो गया दोनों का, और उन्हीं लोग से प्रेरणा मिला कि भाई हम लोगों ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन किया। और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का बात है तो पढ़ाई लिखाई शुरू से अच्छा ही रहा है। धनबाद माउंट कार्मल से शुरू किए थे पढ़ाई, उसके बाद पटना सेंट कैरेंस, फिर हजारीबाग सेंट जेवियर्स से 10th पास आउट किए 84 में, और उसके बाद सेंट कोलंबस से इंटरमीडिएट किए हैं। 87 बैच से हम डीयू में, रामजस कॉलेज है वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन के बाद कुछ तैयारियाँ चल रही थी यूपीएससी वगैरह की, एक दो बार मेंस भी निकाला था, लेकिन फिर इधर हो गया बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो वहाँ हम लोग ज्वाइन कर लिए। 48th बैच में हम लोग ने 97 में ज्वाइन किया था। और जो पढ़ाई लिखाई है अमूमन इंग्लिश मीडियम में रहा है और अच्छे तरीके से चला है, वो लगन जो है वो काम किया। बहुत इंटेलिजेंट और बहुत टॉपर तो नहीं थे, मीडियोकर ही मान के चलते हैं अपने आप को, लेकिन लगन जो है बराबर लगन से पढ़ाई किया और भटकाव नहीं हुआ, उसके कारण सफलता मिली, आज हम इस पोजीशन पे बैठे हैं। हमारा मानना है कि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, सब लोग जानते हैं आबादी है, आज डे बाय डे बहुत टफ हो गया है कंपटीशन। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो लड़का सिंसियरली अपने को अटैच रखता है स्टडी से, पढ़ाई से, ज़्यादा भटकाव नहीं होता है, जिसके पेरेंट्स प्रॉपर गाइडेंस में उसको रखते हैं, बहुत बंदिश भी इसमें आवश्यकता नहीं है, खुलना भी चाहिए उम्र के साथ लड़के को चाहे जो भी हो, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है ताकि भटकाव ना हो। वो अगर प्रॉपर गाइडेंस में है और इन टच विथ स्टडीज है तो वो जरूर कम्पीट करेगा। आज के डेट में भी प्रतिभा मार नहीं खाती है, किसी भी फील्ड में देख लीजिए, लड़के लोग आ रहे हैं और बिना पैरवी पौवे के भी आ रहे हैं। मेरिट अभी भी कदर है मेरिट का, और मेरिट वाले अभी भी कम्पीट कर रहे हैं। युवा लोग के लिए एक संदेश है कि अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करें, भटकाओं में ना आए। सांसारिक दुनिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, बहुत सारा मौका ऐसा मिलता है जहां ऑफ द ट्रैक जाने का आपको अवसर है, आप जा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप एक लीक पकड़ के अपना एक टारगेट फिक्स करके चलेंगे तो आपको जरूर ही सफलता मिलेगी।